दोस्तों, सदियों से बिल्डिंग और ब्रिजेस को बनाने के लिए थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंक्रीट यूज होता है। पहला है पीसीसी, दूसरा है आरसीसी और तीसरा है पीएससी। पीसीसी है हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी है हमारा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट और पीएससी है हमारा प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट। हम सभी जानते हैं कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन जोन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो पहले के टाइम में क्या होता था ना कि हम लोग पीसीसी यूज करते थे, आरसीसी तब तक आया नहीं था। तो पीसीसी का जब हम लोग कॉलम बनाते थे तब तो कोई इश्यू नहीं होता था क्योंकि कंप्रेशन में वो स्ट्रांग है। अगर लंबा कॉलम अगर खड़ा करोगे ना कॉन्क्रीट का और उस पर लोड डालोगे तो वो ज्यादा ले लेगा, लेकिन उसी कॉलम का सुला दो, मतलब अब बीम बना दो उसको, तो बीम उतना लोड नहीं ले पाएगा। एक वर्टिकल मेंबर एक कॉन्क्रीट का जितना लोड ले सकता है उतना एक फ्लैट बीम या फ्लैट स्लैब नहीं ले सकता था। तो इसी चीज को ध्यान में रखा गया और धीरे धीरे जो रिसर्च किए गए उसके बाद आया हमारे पास आरसीसी। सोचा गया जब हम लोग कॉन्क्रीट के अंदर में स्टील डाल दिया जाए तब इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जा रहा है, ये ज्यादा लोड बियर कर पा रहा है। तब क्या किया गया, इसके अंदर स्टील डाल दिया गया, और स्टील डाल दिया गया मतलब उसको आरसीसी बोल दिया गया। अब रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट तो रहेगा ही, साथ में उसके अंदर क्या रहेगा, सरिया रहेगा। लेकिन इसका भी लिमिटेशन था, हम लोग मन चाहे लंबा स्पैन खड़ा नहीं कर सकते थे आरसीसी के थ्रू, ठीक है। अगर कर भी देते तो क्या होता कि थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता, उसका खुद का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था, उसका सेल्फ लोड जो हो गया, डेड लोड जो उसका खुद का हो गया वो बहुत ज्यादा हो जा रहा था, स्लैब का थिकनेस बहुत ज्यादा हो जा रहा है, बीम का जो थिकनेस हो गया, हाइट हो गया, वो सब बहुत ज्यादा हो जा रहा था। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए धीरे धीरे और एक्सपेरिमेंट किए गए और बाद में आया प्रीस्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। प्रीस्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट क्या था कि ये कम वेट के साथ ही ज्यादा लोड ले सकता था, यही इसकी खासियत थी। तो हम लोग प्रीस्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट को कब ज्यादा यूज करना चाहते हैं, जब हम लोग का स्पैन बहुत लंबा है, समझ में आ गया, हम लोग का स्पैन लंबा है और हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग का स्लैब जाए या कुछ भी जाए उसका थिकनेस भी ज्यादा ना पड़े, वो लाइट वेट भी रहे, ज्यादा भारी भी हो ना हो, तो हम लोग उस केस में प्रीस्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट का यूज करते हैं। अब मैं प्रीस्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए एक स्लैब है, ठीक है। अभी स्लैब के ऊपर से आपका क्या हुआ कि लोड इस पे दिया गया, ठीक है, स्लैब के ऊपर से इस पे हम लोग लोड डाले, तो जब लोड डालेंगे तो ये स्लैब का टेंडेंसी क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा इस तरीके से। जैसे ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा ना तो इसके टॉप पार्ट में क्या एक्ट करेगा, कंप्रेशन एक्ट करेगा, और बॉटम में क्या एक्ट करेगा, टेंशन एक्ट करेगा, और इसी बॉटम में टेंशन एक्ट करने की वजह से क्या होगा कि नीचे से क्रैक आना चालू हो जाएगा, समझ में आ गया। ये मेरा हाथ है, अगर ये ऐसे हो गया तो यहीं से क्या होगा कि नीचे से ही क्रैक आना चालू हो जाएगा, समझ में आ गया। जैसे ये क्रैक आएगा और एक मेंबर क्या होगा, फेल कर जाएगा। आप देख रहे हो ड्राइंग में नीचे से ये क्रैक आना चालू हो जा रहा था। अब नीचे क्या है, मेरा टेंशन जोन है, टेंशन जोन को अब स्ट्रॉन्ग करना है, तो टेंशन जोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉटम में एक्स्ट्रा स्टील बार देंगे। अब प्रीस्ट्रेसिंग में क्या किया जाता था, नीचे स्टील बार देके उसको खींच के रख दिया जाता था ताकि जो टेंशन है ना वो ज्यादा वहां पे डेवलप ना हो, और टेंशन ज्यादा डेवलप नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पे क्रैक नहीं आएगा। तो प्रीस्ट्रेसिंग कॉन्क्रीट की खासियत क्या होती है ना, जब इसको डिजाइन किया जाता है तो इसका सेक्शन जो है वो पतला होता है, मतलब इसका जो स्लैब थिकनेस होगा वो पतला होगा, साथ में ये लाइट वेट बन गया ऑटोमेटिक, जब कॉन्क्रीट मेरा कम जा रहा है वहां पे तो ये लाइट वेट बन गया, तो ये बहुत अच्छा था हमारे लिए क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो लाइट वेट बनेगा तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा हमारे अर्थक्वेक के दौरान। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी प्रीस्ट्रेस्ड के बारे में बताने वाला हूं। ये जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है प्री टेंशनिंग, एक होता है पोस्ट टेंशनिंग। तो इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस है जो आपको जानना चाहिए जरूरी, अगर आप साइट पे काम करवाते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग के बीच में जो डिफरेंसेस है मेन वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्री टेंशनिंग की। तो प्री टेंशनिंग नाम से पता चल रहा है कि प्री है, मतलब ये पहले होता है। इस पार्ट में जो टेंशन हम लोग करेंगे कॉन्क्रीट के अंदर में, जो हम लोग वो सरिया डालेंगे ना, इसको स्ट्रैंड कहा जाता है, ठीक है, स्ट्रैंड। उस स्ट्रैंड को हम लोग क्या करेंगे, टेंशन करके रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग उसमें कास्टिंग करेंगे, समझ में आ गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, पहले टेंशनिंग बाद में कास्टिंग, और पोस्ट टेंशनिंग में नाम से पता चल रहा है पोस्ट मतलब बाद में। पहले क्या होगा कि आपका कॉन्क्रीटिंग हो जाएगा, कॉन्क्रीट के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, केसिंग डाल के उसके अंदर से स्ट्रैंड को रख देते हैं। बाद में जब कॉन्क्रीटिंग हो जाता है, कॉन्क्रीट अपना सफिशियंट स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो टेंशन करते हैं। तो इसमें बोल सकते हैं पहले कास्टिंग होता है, बाद में टेंशनिंग होता है, समझ में आ गया, नाम से पता चल रहा है। एक में पहले टेंशनिंग बाद में कास्टिंग, और एक में पहले कास्टिंग बाद में टेंशनिंग। तो यही हो गया प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसको हम लोग कहां पे कर सकते हैं। तो देखिए प्री टेंशनिंग जो है जनरली हम लोग लैब में करते हैं, ठीक है, या फैक्ट्री में करते हैं, जहां पे ये बन के आने वाला है वो मटेरियल मेरा। लेकिन अगर बात करें पोस्ट टेंशनिंग की, तो पोस्ट टेंशनिंग आप जनरली साइट पे ही देखोगे करते हुए। ऐसा कुछ मेंबर है जो अगर साइट पे आके असेंबल होना है तो वो होता है कि हमारे
फैक्ट्री में होके आता है, लेकिन जनरली देखा जाए तो ये साइट पे ही होती है। स्लैब कास्टिंग वहीं पे होगा, वहीं पे बाद में टेंशनिंग होगा, किसी में भी बीम में अगर डाला गया है तो बीम क्या होता है, साइट पे कास्टिंग होगा, फिर जाके उसको हम लोग टेंशन करेंगे, ठीक है। तो जनरली पोस्ट टेंशनिंग हमारा साइट पे होता है। अब हम लोग इसके लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर बहुत बड़ा साइज है, आप क्या किए कि पहले ही उसको टेंशन कर लिए फैक्ट्री में, अब उसको लाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा ना, उतना बड़ा सेक्शन आप उठा के कैसे लाओगे। तो प्री टेंशनिंग में सेक्शन का जो साइज है ना वो लिमिटेड होता है, आप चाहे तो जितना बड़ा भी करके इधर उधर नहीं ले आ सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, मैं यहाँ पे जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे साइज का लिमिटेशन होता है प्री टेंशनिंग में, लेकिन पोस्ट टेंशनिंग में तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, क्योंकि आप कितना ही बड़ा बड़ा ब्रिज क्यों ना ये करो, ठीक है, आपका जो भी पोस्ट टेंशनिंग होगा वो साइड पे ही आके होगा। आप स्लैब इतना बड़ा कास्टिंग किए हो वो साइड पे ही होगा आपका, पोस्ट टेंशनिंग बाद नहीं करेंगे हम लोग। तो पोस्ट टेंशनिंग में कोई भी सेक्शन का चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। साइड पे कास्टिंग किए, वो अपना सफिशियंट स्ट्रेंथ ले लिया, उसके बाद क्या किया उसको टेंशन कर दिया हम लोग। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है कि पहले से हम लोग टेंशन करके उस सेक्शन को उठा के हम लोग साइड पे लाए, अगर वो बहुत बड़ा है तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। अब इसके मेंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरली हम लोग प्री टेंशनिंग किसका करते हैं, अगर सिमिलर मेंबर है तो, कोई अगर छोटा सा बीम है जो हम लोग को जाकर डायरेक्ट फिक्स कर देना है वहां पे, तो ये हमारा क्या होगा कि फैक्ट्री में ही होगा, अगर सिमिलर मेंबर है तो, क्योंकि हम लोग को उसका मोल्ड भी तो रेडी करना होगा ना। अगर डिफरेंट डिफरेंट मेंबर का अगर आप मोल्ड वहां पे रेडी करोगे तो आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, इसलिए सिमिलर टाइप का अगर मेंबर है आपका तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि फैक्ट्री में मोल्ड करके उसको प्री टेंशनिंग पहले टेंशनिंग करके फिर साइट पे ले आते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात करें अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन का, जैसे स्लैब है, बीम है, अलग अलग चीज है यार, ठीक है, जिसका बार बार अगर आप मोल्ड बनाओगे तो खर्चा ज्यादा पड़ेगा, तो इसको हम लोग प्रिफर करते हैं पोस्ट टेंशनिंग में, मतलब साइट पे ही उसको करेंगे हम लोग, और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उसमें। अब हम लोग बात कर लेते हैं सूटेबिलिटी का। सूटेबिलिटी का आप समझ ही सकते हो कि प्री टेंशनिंग में कौन सा चीज सूटेबल है, जो हमारा छोटा सेक्शन है जिसको ट्रांसपोर्ट हम लोग इजीली कर सकते हैं, और पोस्ट टेंशनिंग में कौन सा ज्यादा सूटेबल है, जो ज्यादा हेवी स्ट्रक्चर है, हेवी सेक्शन है, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो साइड पे ही है, बहुत बड़ा है, उसको आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोस्ट टेंशनिंग में करते हैं, क्योंकि वो हेवी है और हेवी को ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं है, मुश्किल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके ड्यूरेबिलिटी के ऊपर। तो जो प्री टेंशनिंग है ना वो मोर रिलायबल और मोर ड्यूरेबल होता है, क्योंकि ये फैक्ट्री में बनती है तो इसका जो वर्कमैनशिप होता है ना वो ज्यादा बेटर होता है, समझ में आ गया, ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं फैक्ट्री में इसको, और प्रॉपरली होता है, पहले टेंशनिंग हो गई फिर कॉन्क्रीट डाल दो अच्छे तरीके से, इसमें फेलियर कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप साइड पे करते हो इसको, तो वहां पे जो टू एंकर सिस्टम है ना, दो, एक एंड से लॉक होता है और एक एंड से हम लोग क्या करते हैं, टेंशन करते हैं। अगर ये प्रॉपर नहीं हुआ तो क्या होता है, बहुत बार जो मेंबर हमारा बैठा हुआ है, जिस मेंबर के अंदर से वो केसिंग और टेंडन हमारा गया है, हमारा स्ट्रैंड गया है, वो स्टील गया है, तो क्रैक कर जाता है जो स्लैब, मान लीजिए ये स्लैब है, इस स्लैब के अंदर से क्या हुआ है कि वो टेंडन हमारा स्ट्रैंड गया हुआ है, ठीक है। जब हम लोग टेंशन करेंगे ना, यहां से जब उसको प्रेशर से खींचेंगे, तब क्या होता है, बहुत बार स्लैब क्रैक कर जाता है, फट जाता है ऐसे करके, ठीक है। ये मैंने एक बार होते हुए देखा था अपने लाइफ में। तो इसलिए मोर ज्यादा रिलायबल और ड्यूरेबल कौन सा होता है, प्री टेंशनिंग, ना कि पोस्ट टेंशनिंग। ये होता है अगर आपका वर्कमैनशिप बहुत अच्छा है तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉस इन प्री स्ट्रेस में। अब लॉस इन प्री स्ट्रेस क्या है, देख लीजिए, कोई भी आप इलास्टिक मटेरियल को अगर खींचोगे तो उसका टेंडेंसी क्या रहता है, वापस अपने पोजीशन पे जाने के लिए। तो खींचने के बाद जितना वो वापस अपने पोजीशन पे गया ना, वो उसका लॉस होता है। तो वैसे यहाँ पे हमारा टेंशनिंग में भी काम होता है, जब हम लोग टेंशनिंग को खींच के रखते हैं ना, तो उसका एक टेंडेंसी है, वो थोड़ा थोड़ा क्या होगा कि सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होकर अपने पोजीशन पे जाने के लिए सोचेगा। तो ये प्री स्ट्रेसिंग के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज होता है, पोस्ट टेंशनिंग के कैटेगरी में कितना होता है, मैं आपको बताता हूं। तो प्री टेंशनिंग में ये 18% से ज्यादा ही होता है, उससे कम नहीं होता है, मतलब नॉट लेस देन 18%। और अगर हम लोग बात करें पोस्ट टेंशनिंग की, तो यहाँ पे नॉट मोर देन 15%, 15% से ज्यादा ये प्री स्ट्रेस का लॉस देखा नहीं जाता है, या कह लो होना नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की। जो प्री टेंशनिंग है ना, ये कम कॉस्टली होता है, ये चीपर होता है कंपेयर टू पोस्ट टेंशनिंग। देखिए, प्री टेंशनिंग में हम लोग को ना केसिंग नहीं डालना पड़ता है, एक शीथिंग हम लोग डालते हैं, ठीक है, एक शीथिंग। उस केसिंग के अंदर से क्या होता है कि हमारा टेंडन अंदर जाता है, समझ में आ गया, और फिर बाद में उसको क्या करते हैं, लोग ग्राउट कर देते हैं, ग्राउट कर देते हैं। तो इसके पूरे मैकेनिज्म के ऊपर बाद में मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। फिलहाल के लिए जान लीजिए, प्री टेंशनिंग में हमारा कोई भी केसिंग या शीथिंग बोलो उसको, वो नहीं लगता है, और
पोस्ट टेंशनिंग में हमारा वो केसिंग और सीथिंग लगता है, और भी बहुत सारे कपलॉक के लॉक लगते हैं जिसका चार्जेस के वजह से उसका चार्जेस बढ़ जाता है। साथ में वहां पे ग्राउटिंग करना है, ग्राउटिंग का चार्जेस बढ़ गया आपका। साथ में वहां पे ग्राउटिंग करने के लिए आपको नॉजल छोड़ना पड़ता है, उसका चार्जेस बढ़ गया आपका। तो पोस्ट टेंशनिंग ज्यादा कॉस्टली होता है हमारे प्री टेंशनिंग के मुकाबले, तो हमेशा ये याद रखिएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है ना तो इसको अपने जूनियर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।